नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के बारा छिपाप दौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कार्यालय अभिभाषक परिषद के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं समस्त अधिवक्ताओं ने मिलकर अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष कुंज बिहारी नागर एडवोकेट की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नाम छिपाप दौद उपखंड मुख्यालय पर तहसीलदार त्रिलोक चंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अध्यक्ष अभिभाषक परिषद कुंज बिहारी नागर ने जानकारी देते हुए बताया है कि 29 अगस्त सोमवार को श्री गंगानगर के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने पुलिस के टॉर्चर करने से ताड़ित होकर हत्या कर ली थी, जिसकी सीबीआई से जांच कराई जाए कि आखिरकार विजय सिंह को आत्महत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी। मृत अधिवक्ता द्वारा नशे की रोकथाम को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही थी, एक जन जागृति अभियान भी चल रहा था जिसको लेकर पुलिस में रोष था। उसको लेकर पुलिस अधिवक्ता विजय सिंह एडवोकेट को टॉर्चर कर रही थी, जिससे आहत होकर अधिवक्ता ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं न्यायालय छिपाप दौद द्वारा उक्त घटना के विरोध में न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया, साथ ही शोक सभा आयोजित की गई और मृत अधिवक्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज छिपाप दौद कार्यालय अभिभाषक परिषद में जो छिपाप दौद के जो अभिभाषक परिषद के जो अधिवक्ता है, इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम आज एक ज्ञापन दिया है, जिसमें इनकी मुख्य मांग है कि दर्शाना जिला श्री गंगानगर में पुलिस के टॉर्चर से आहत होकर के एक अधिवक्ता ने सुसाइड कर लिया, जिसके परिवार को क्या आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, उसको लेकर आज हमारे साथ है छिपाप दौद अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष कुंज बिहारी जी नागर से। हम जानना चाहते हैं कि क्या इनकी मुख्य मांगे हैं और क्या आज आपने किस में ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग है कि कल 29 तारीख को घरसाना श्री गंगानगर जिले में के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी एडवोकेट जो वहाँ पे एक मुहिम चलाए हुए थे, उनकी मुहिम यह थी कि युवाओं में किस प्रकार से नशे को मुक्त किया जाए, उसको लेकर के पुलिस ने उनको इतना टॉर्चर किया कि उससे आहत होकर के और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हमारी मुख्य मांग यह है कि उन्होंने सुसाइड किया है यहाँ पर उनकी हत्या की गई है, इसकी सीबीआई से जांच की जाए और उन अधिवक्ता को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता उनके परिवार को दी जाए, साथ ही उनके परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। आपके क्या विचार है? भाई, घरसाना में वकील साहब के साथ जो घटना घटी है जी, इसकी पूरी ईमानदारी से जांच होना चाहिए सबसे पहले, और इसमें जो दोषी लोग हैं वो सामने आना चाहिए और इसकी जांच उच्च स्तरीय सीबीआई से कराना चाहिए, और वकील साहब के जो परिवार है इनको आर्थिक मदद मिलना चाहिए। इसी के साथ ही वकील साहबानों की भविष्य के लिए सुरक्षा के लिए भी सरकार को कानून या धाराएं बनाना चाहिए, ताकि वो अपनी पैरवी या जो भी अभिव्यक्ति है वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री रामगोपाल वर्मा जी। जनपद सिद्धार्थनगर में लगातार अपराध व अपराधियों पर रोक लगाए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें जनपदीय पुलिस ने 36 अभियुक्तों को छापेमारी कर पकड़ा है। इसके पूर्व में 7 वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा, जिनके ऊपर विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया। साथ ही 29 की रात में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर 36 वारंटी की गिरफ्तारी की गई है, जो किसी न किसी मुकदमे में अभियुक्त थे और न्यायालय से वारंटी करार दिए गए थे। सदर थाना क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस उप महानिरीक्षक
बस्ती महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 29 और 30 की रात में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ नगर के आदेश के क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 7 वांछित और 36 वारंटियों की गिरफ्तारी हुई है। उनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत। बलरामपुर में जिला मुख्यालय में DAB इंटर कॉलेज मैदान छोटा परेड ग्राउंड परिसर में मुखिया डॉक्टर अयूब सर्जन द्वारा पूर्ण स्वराज रैली आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयूब सर्जन तथा उनके साथ पीस पार्टी व अन्य गठबंधन पार्टियों के नेताओं ने रैली आयोजित कर जनसभा को संबोधित किया। डॉक्टर अयूब ने कहा कि अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार में हमारे देश को और राज करों की नीति अपनाते हुए सदियों गुलाम बनाए रखा और देश का खजाना खाली करते रहे। स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास से देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी आसमान से गिरी तो खजूर में अटक गई। आज़ादी के देश के चंद बड़े औद्योगपति घरानों में देश पर अपनी पसंद की पार्टियों के जरिए देश के शासन और प्रशासन पर कब्जा कर लिया और उसी तरह खजानों को अपने फायदे की नीतियां बनाकर खाली करने का काम कर रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए ये पार्टियां भी देश में धार्मिक व जातीय उन्माद महका पर फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। देश का विकास ठप है, सरकार विदेशों से कर्ज पर कर्ज ले रही है और देश के कमाऊ प्रतिष्ठानों की बिक्री करके उद्योगपतियों को सौंप रही है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और अशांति अपने चरम पर है। किसान, मजदूरों, गरीबों के साथ साथ समाज के हर वर्ग का शोषण, दमन व उत्पीड़न हो रहा है। पीस कमेटी शासन के गलत नीतियों के विरुद्ध तथा शोषण, दमन, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार व अन्याय के विरुद्ध अपने जन्म के संघर्षरत हैं तथा जन जागरण कर रही है। इस अवसर पर पार्टी के लोग मौजूद रहे। उसके विरुद्ध कुछ भी बात करता है, उसके पॉलिसियों की मुखालफत करता है, उसके खिलाफ या तो बुलडोजर का इस्तेमाल करता है, ईडी और CBI का और इनका प्रेस का इस्तेमाल करता है या उसे जेल में डालने की कोशिश करता है। इस पार्टी अपने वजूद से ही 2008 से भाजपा, सपा, बसपा के जितने भी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर मानव के साथ भेदभाव था, उसकी मुखालफत करती रही, उसका विरोध करती रही है। और भाजपा के विरोध के कारण ही हमें 2 बार जेल भाजपा की सरकार में 2017 में और 2020 में जाना पड़ा था। और मैं शुक्रिया मेरे रब का करता हूँ, जनता का करता हूँ और साथ में हाई कोर्ट का कि उन्होंने पहली सुनवाई में पहले भी जमानत दी और इस बीच 2020 में उन्होंने NSA और राजद्रोह दोनों मुकदमा हमारे खिलाफ लगाया, क्योंकि हमने कहा था कि हम किसी के विचारधारा से सहमत नहीं हैं, बल्कि हम जिस मजहब को मानते हैं उसकी विचारधारा पर चल के देश और समाज का सेवा करना चाहते हैं। जो एडवाइजरी बोर्ड है सिटिंग जज हाई कोर्ट के और 2 रिटायर्ड जजों के बेंच ने हमें NSA से निर्दोष साबित कर दिया, NSA वापस ले लिया। और आज ही के दिन बड़ी इत्तफाक है कि आज जिस दिन हम लोग सपोर्ट स्वराज रैली का आयोजन कर रहे हैं, आज ही के दिन हाई कोर्ट ने जो FIR इन्होंने किया था सेडिशन का, राजद्रोह का, वो आज हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने उसे आज खारिज कर दिया है। मैं समझता हूँ कि असल में संपूर्ण स्वराज को देने का काम सरकारें और राजनीतिक दल नहीं कर रही हैं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कर रही है। और यही वजह है कि आज जनता का विश्वास कोर्टों में मौजूद है, पर किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार में नहीं है। जो भी सरकार अभी तक रही है, उन्होंने या तो अपने धर्म के मानने वालों को, अपने जात के मानने वालों को प्रशय दिया है, और जो भी दूसरे समाज और धर्म और जात के थे उनके साथ भेदभाव किया, उनके साथ अत्याचार किया है। और आज भाजपा की सरकार उसी राह पर चल रही है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, कमजोर सबल वर्गों के साथ वो अन्याय कर रही है। और इस अन्याय को लोग सह रहे हैं ताकि अभी आज वो सत्ता में हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही सत्ता से बेदखल हो गए
और एक ऐसी सरकार आएगी, मानववादी सरकार आएगी, जो किस पार्टी और किसान पार्टी के सहयोग से बनेगी, जो धर्म के नाम पर भेदभाव खत्म करेगी और जात के नाम पर जो भेद है, जो लोगों का प्रताड़ना हो रहा है, उसे भी खत्म करने का काम करेगी और सभी लोगों को जो भी इस देश का नागरिक है समान अधिकार और स्वतंत्रता के साथ सम्मान के साथ विकास का अवसर देगी। आप सभी लोग आए, आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के तुलसीपुर में श्रावण भादो माह में कजरी तीज का मेला हर साल लगता है। तुलसीपुर में तुलसीपुर से गोरा मार्ग स्थित विलोहा में बड़े बाबा के स्थान पर भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास गांव के स्त्री पुरुष बच्चे मनोरंजन करते देखे गए। वहीं स्त्रियां आज व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ बड़े बाबा के मंदिर विलोहा दर्शन करने गईं। मेले में तरह तरह के पकवान, तरह तरह के खिलौने, मनोरंजन के सामान मौजूद रहे, जिसका बच्चों ने भरपूर मनोरंजन किया। वहीं देवी पाटन स्थित मंदिर के बगल कजरी तीज के मेले में भारी भीड़ देखी गई। यहाँ मेला गत वर्षों की भांति इस वर्ष कुछ ज्यादा ही भव्य दिखा। यहाँ तमाम दुकानें हैं जो पहले से मौजूद हैं और नई नई दुकानें, नए नए खिलौने बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन बने। यहाँ भी महिलाओं ने सुबह से व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और भगवान शंकर सहित देवी पाटन शक्तिपीठ स्थित माता के दर्शन किए। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। खीरी जनपद के सीएमओ द्वारा सख्त आदेश के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मामला फूल बेहड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सीएचसी फूल बेहड़ की एक स्टाफ नर्स के द्वारा अपने ही घर पर डिलीवरी करवाने के दौरान बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। प्रसव के बाद बच्चे की मौत पर परिजन हंगामा कर रहे थे। बताते हैं कि यह हंगामा देर शाम तक होता रहा, जिससे वहां पर आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। बताते चलें कि बसेगापुर निवासी नेहा की अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने नर्स से बात की। इस पर नर्स ने मरीज नेहा को अपने ही घर पर बुला लिया और वहीं पर प्रसव कराना शुरू कर दिया। प्रसव के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बताते हैं कि अपने घर पर डिलीवरी करने वाली नर्स फूलबेहड़ सीएचसी में कार्यरत है, जिसका नाम लक्ष्मी जायसवाल बताया जा रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भला आमजन कहाँ जाए। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। जनपद कुशीनगर के विशुनपुरा थाने के ग्राम सभा बैकुंठपुर कोठी में 1.5 साल की बच्ची के साथ 22 वर्षीय युवक ने किया दुष्कर्म। बताते चलें कि युवक दूर का रिश्तेदार है, कभी कभी घर आया करता था। कल शाम को बच्ची की मां से बोला, बेबी को दीजिए खिलाने ले जा रहा हूं।
मां ने दे दिया, युवक लेकर गया और दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत खराब हुई तो धान के खेत में फेंक दिया और भाग गया। जब रात हुई तो घर वाले खोजने लगे। उस लड़के के घर गए तो वो भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई। वहीं घर व गांव के लोग उस लड़के को किसी तरह पकड़ लाए। जब पूछा कि बच्ची कहाँ है तो लड़का बोला धान के खेत में फेंक दिया है। घर वाले उस लड़के को साथ लेकर गए और बच्ची को लेकर आए और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी धवल जायसवाल का कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट के माध्यम से दिलवाई जाएगी ताकि फिर कोई दूसरा गलती ना करे। हमने कहा कि देखी जाए ना चेहरा ना दिए गाँव नौकर के लोग हमने यही आता बाज चाहिए नहीं क्या बच्चा के ले जाके यदि में भाग गई धान में ले जाके पानी पानी को के गति कर जाए क्या हालत है लड़की हालत खराब है बा गंभीर बा बताइए सारा गा लो लो सारा है सारा यदि यदि करे क्या लगता था रिश्ते में क्या लगता कुछ ना लगा था कुछ न लगा था जात जो बुझा रहे यदि बैठे पुलिस जब गए मरल से तब यदि में से चोर के बतौल से थाने में छोड़ लगा बताइए जो 7-8 बजे रात क्या मांग कर रहे मांग कर रहे के गोली मराई कुछ न वही गोली मराई हमारा कुछ से मतलब नहीं किया हमारा मर मुकदमा कुछ करे दी अभी हमारा भाई मुकदमा ना करिए अभी पुलिस के लोग आए थे क्या कही हम पानी गोली मारे माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। राजस्थान के बारा छिपाब डौद वैष्णव बैरागी विकास सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव और वैष्णव बैरागी समाज की ओर से हाल ही में बारा जिला मुख्यालय पर संचालित कन्या महाविद्यालय से कन्या छात्र संघ अध्यक्ष के चुनावों में एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले चुनाव लड़ी वैशाली वैष्णव की ऐतिहासिक जीत दर्ज होने पर समाज बंधुओं ने जीत की खुशी मनाई। वैष्णव बैरागी विकास सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बारा जिले के जिला मुख्यालय पर सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय की नवनिर्वाचित अध्यक्ष वैशाली वैष्णव सहित राजस्थान के अन्य कई महाविद्यालयों से भी वैष्णव बैरागी समाज के 15 के लगभग छात्र छात्राओं ने जीत दर्ज कर समाज का नाम रोशन किया जिससे समाज में खुशी की लहर है। छात्र संघ अध्यक्ष वैशाली वैष्णव का विनोद कुमार वैष्णव अध्यक्ष वैष्णव बैरागी विकास सेवा समिति छिपाब डौद एवं अन्य समाज बंधुओं ने तिलक अक्षत लगाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया तथा उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। किसे देना चाहते हैं और आगे की क्या अभी की योजना रहेगी। और आगे भी ये और
से बाकी बढ़ते रहे और समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। जब भी चाहे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे, निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।